नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं कहानी हर्क्यूलिस और एटलस की। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हर्क्यूलिस राजा यूरिस्टियस के दिए गए चुनौतियों को पूरा करने के लिए दुनिया की सैर पर निकले हुए थे। इस बार उनकी चुनौती थी दुनिया के पश्चिम दिशा के अंत में हेस्पेरिडस के बगीचे से सुनहरा सेब तोड़कर लाना। हेस्पेरिडस रात की देवी निक्स और टाइटन एटलस की बेटियां थी और उनके इस बगीचे को लैटिन नाम का एक भयानक ड्रैगन पहरा देता था। देवी हेरा और देवताओं के राजा ज्यूस की जब शादी हुई थी, तब इस सुनहरे सेब के पेड़ को मदर गॉडेस गाया ने हेरा को शादी के तोहफे के तौर पर दिया था। बहुत समय तक हर्क्यूलिस ने इस बगीचे को ढूंढने की कोशिश की, मगर किसी नक्शे में इसका कोई जिक्र नहीं था। ऐसे ही एक दिन ढूंढते ढूंढते हर्क्यूलिस का सामना हुआ टाइटन प्रोमेथियस से, जो कोकेसस पर्वत पर जंजीरों से बंधे हुए थे और ज्यूस का दिया हुआ सजा भोग रहे थे। एक बांस रोज उनके जिगर को नोच नोच कर खाता था। रोज रात को उनका जिगर फिर से ठीक हो जाता था और अगले दिन फिर से वो बाज आकर उसे खा लेता था। ज्यूस ने उन्हें ये सजा इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने स्वर्ग से आग को चुरा कर मानव जाति को दे दिया था, ताकि हम मानव उसका इस्तेमाल करके प्रगति की ओर बढ़ सके। टाइटन प्रोमेथियस को देखकर हर्क्यूलिस ने फैसला किया कि उन्होंने अब बहुत सह लिया है, और अगले दिन सुबह जब वो बाज आया तो उन्होंने उसे मार गिराया और प्रोमेथियस की जंजीरें तोड़कर उन्हें आजाद कर दिया। हर्क्यूलिस का आभार मानकर प्रोमेथियस ने उन्हें सलाह दिया कि जिस पेड़ की तलाश में वो जा रहे हैं उसे एक विशाल ड्रैगन पहरा देता है। अगर वो उसे हरा कर सेब तक पहुंच भी जाए तब भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन सुनहरे सेब को उस पेड़ की टहनियों से सिर्फ कोई इमॉर्टल ही तोड़ सकता है। इसीलिए अगर वो उनके भाई टाइटन एटलस के पास जाए, जो हेस्पेरिडस के पिता भी हैं, और उन्हें बताएं कि कैसे उन्होंने प्रोमेथियस की मदद की है, तो एटलस उनकी मदद जरूर करेंगे। पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए हर्क्यूलिस ने टाइटन एटलस को देखा, जो वहां आसमान को अपने कंधों पर उठाए ज्यूस की दी हुई सजा भोग रहे थे। एटलस ने टाइटनोमैकी के दौरान ज्यूस के विरुद्ध जाकर युद्ध में टाइटन्स का साथ दिया था, और हारने के बाद जब ज्यादातर टाइटन्स को टार्टरस के गहराइयों में बंदी बनाकर रखा गया था, एटलस को सजा के तौर पर समय के अंत तक आसमान को यानी यूरेनस को अपने कंधों पर उठाए रखने का जिम्मा दिया गया था, ताकि यूरेनस और पृथ्वी यानी मदर गॉडेस गाया फिर कभी एक ना हो सके। जब एटलस ने हर्क्यूलिस की पूरी बात सुनी तो उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए, मगर ज्यूस के आदेश के मुताबिक वो आसमान को धरती से मिलने नहीं दे सकते थे। ये जानकर हर्क्यूलिस ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस भार को अपने कंधों पर उठा लिया और एटलस वहां से चले गए। कुछ देर बाद वो सुनहरे सेब लेकर आए और कहा, ये रहे तुम्हारे सुनहरे सेब, मगर तुम चिंता मत करो, राजा यूरिस्टियस को ये सेब मैं स्वयं देकर आऊंगा। तब हर्क्यूलिस को एहसास हुआ कि वो फंस गए हैं। उन्होंने आसमान के भार को अपने कंधों पर से उतारने की कोशिश की, मगर एक बार कोई व्यक्ति अगर स्वयं अपनी इच्छा से इस भार को उठा लेता है तो वो तब तक इस भार से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आकर अपनी इच्छा से इस भार को अपने कंधों पर ना ले। तब हर्क्यूलिस ने एक तरकीब सोची, क्या आप सच में मेरे लिए इतना करेंगे? तब तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी, मगर क्या आप कृपया थोड़ी देर के लिए इस भार को उठा लेंगे? क्या है कि मैं आप जितना ताकतवर नहीं हूँ, इसे उठाने से पहले जरा अपने कंधों पर कुछ कपड़े रख लूं, ताकि इनका भार सह सकूं। हर्क्यूलिस की बात सुनकर एटलस राजी हो गए और आसमान का भार वापस अपने कंधों पर उठा लिया, और हर्क्यूलिस वहां रखे हुए सुनहरे सेब उठाकर अपनी चुनौती पूरा करने चले गए। कहानी यही खत्म हो सकती थी, मगर हर्क्यूलिस दिल के बहुत अच्छे थे। हालांकि एटलस ने उनसे छल करने की कोशिश की थी, मगर उनके हालात को देखकर हर्क्यूलिस को उन पर दया आई, और वापस जाकर उन्होंने पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में दो पिलर्स बनाए, जिसे पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस के नाम से जाना जाता है। उत्तरी स्तंभ जिब्राल्टर में रॉक ऑफ जिब्राल्टर है,
और दक्षिणी स्तंभ को एक पर्वत की दो चोटियों में से किसी एक के रूप में पहचाना गया है। मोरक्को में जबल मूसा या माउंट हाचो, जो स्पेन में सियुटा शहर के पास है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।